नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9S वर्सेस Poco X6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9S में 6.45 इंच जबकि X6 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9S से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9S में 2.95 इंच जबकि X6 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z9S से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z9S में 0.29 इंच जबकि X6 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z9S से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9S में 180 ग्राम जबकि X6 5G में 181.2 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9S में 6.77 इंचेस जबकि X6 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9S में 1080x2392px FHD+ और X6 5G में 1220x2782px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9S में 90.12% जबकि X6 5G में 90.05% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9S में 388 पिक्सेल प्रति इंच जबकि X6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9S में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और X6 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9S में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X6 5G की बात करें तो उसमें 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9S में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और X6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9S में माली G615MC2 जबकि X6 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9S में MediaTek Dimensity 7300 और X6 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z9S में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि X6 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z9S में Android V14 जबकि X6 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी Z9S में 5500 mAh जबकि X6 5G में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9S में 2 कलर्स जबकि X6 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9S में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 21,998 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,998 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X6 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो iQOO Z9S में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको X6 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में X6 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G0 4 4G है, दूसरा रियलमी 12 5G है, तीसरा ओप्पो K12 X 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी नाजो N65 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।